अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे, खूब अच्छे से अपना अपनों का और अपने बर्ड्स का ख्याल रख रहे होंगे। मैं हूं मोहम्मद रिजवान और आप देख रहे हैं बर्ड्स प्लैनेट पार्क पतन। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि हमारे पास जो बजरी के ब्लैक आइज़ हैं, उन्होंने कुछ पीस निकाले हैं रेड आई में, वो आपको दिखाएंगे। जैसे कि आप देख भी रहे हैं कि दो येलो रेड आई आमने सामने बैठे हुए हैं और एक बिल्कुल इनके पीछे से पीछे करके एक वाइट रेड आई बैठा हुआ है। तो ये दो बच्चे इस दफ़ा निकाले और एक दफ़ा ये एक बच्चा ये पहले का निकाला हुआ है, बल्कि पहले के भी हाँ एक ही बच्चा निकाला हुआ है। तो ये मेरे पास तीन बच्चे रेड आई के निकाले हैं और इनके जो पेरेंट्स हैं आप देख सकते हैं कि एक पेयर वो जो मटकी के अंदर मादा आपको नज़र आ रही है और इसके साथ का वो नीला ब्लू जो नर है वो है, और एक पेयर ये जो नहीं वो मटकी के अंदर है। तो इन्होंने दो पेयर इन्हें बच्चे जो निकाले हैं, तो ये एक पेयर ने तो पहली दफ़ा बच्चे निकाले हैं, दूसरे वो जो मटकी के अंदर बैठी है उसने तो तीन चार दफ़ा मेरे पास निकाल लिए हैं। तो ये है कि ये अपने ये दो पेयर अब जब भी बच्चे वगैरह निकालते हैं तो इनमें से रेड आई बच्चे निकाल रहे हैं। तो मेरे पास इस तरह ये रेड आई बच्चे हो गए तीन, जिसमें येलो रेड आई भी हैं और वाइट रेड आई भी हैं। तो मेरी कोशिश ये होगी कि अभी जितने भी ये रेड आई होंगे इनको मैं सेपरेट करता रहूँगा और इनसे मैं अलग से ब्रीडिंग लूँगा, और चांसेस तो इस बात के हैं कि इनके जो हैं क्या कहते हैं उसको ब्लड लाइन। अब ये जो येलो रेड आई बच्चे निकले हैं, इनके पेरेंट्स की ब्लड लाइन में कहीं ना कहीं कोई रेड आई रहा होगा, मे बी मेल रेड आई हो और फीमेल ब्लैक आई हो, या फीमेल रेड आई हो मेल ब्लैक आई हो, उनकी वजह से अब उनके बाद जो बच्चे निकले हैं उनमें से ये रेड आई निकले हों। इसी तरह इस बात के भी बहुत से चांसेस हैं कि अब ये चूँकि रेड आई है, वाइट रेड आई और येलो रेड आई, तो अब इनके जो बच्चे निकलेंगे इस बात की बात बहुत से ज़्यादा चांसेस हैं कि इनके बच्चे जो है मुख्तलिफ कलर्स में भी निकलें और वो ब्लैक आई भी हों रेड आई भी हों मिक्स भी निकल सकते हैं। तो ये सारा फ़र्क होता है ब्लड लाइन का, जो पीछे से चलती आ रही हो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए और इनके अंदर ये जीन्स की वजह से कुछ तब्दीलियाँ वाकई होती हैं। तो यही आपको दिखाना था कि मेरे पास ब्लैक आई बजरी ने रेड आई बच्चे निकाले हैं और ऐसा होना पॉसिबल है, और ये भी पॉसिबल है कि इन रेड आई बच्चों से आगे ब्लैक आई और रेड आई दोनों तरह के बच्चे निकले, या सिर्फ रेड आई निकले, यह भी हो सकता है ब्लैक आई निकले, यह भी हो सकता है मिक्स निकले, यह भी हो सकता है। तो ऐसा बजरी में चलता रहता है। तो इन्हीं बातों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे बर्ड्स प्लैनेट पार्क पतन, मैं हूं मोहम्मद रिजवान। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, दुआ में याद रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़, बाय।